बीते दिन विक्रमजीत सिंह मजीठिया ते पंजाब सरकार वालों दर्ज किए गए NDPC एक्ट के तहत परचे के रोस स्वरूप अज जिला फाजिलका अकाली दल इकट्ठा होया अते पत्रकारों के रूबरू होंदे उन्होंने की कुछ कहा सब कुछ जानने लिए साढ़े नाल बने रहो तो साड़ी पूरी कवरेज वेखो। कल जो सरकार ने मजीठा साहब के खिलाफ FIR दर्ज कराई है वो जो केस है 2004 का है और 8 साल सरकार कांग्रेस की रही है, एक इलेक्शन स्टंट है और जो साडा उन्होंने यह नजायज FIR दर्ज की है उसके खिलाफ श्रोमणी अकाली दल डट के स्टैंड लूगा और लै रहा और जो भी साडा प्रधान का हुक्म आऊगा असी सारे उस हुक्म मनते हुए असी अगला जो स्टैप देंगे अभी करांगे। अज तुहानू ये दसण वास्ते असी कॉन्फ्रेंस लाई है कि जिहड़ी सरकार जिहड़ी हैगी है बेगुदियां कर रही है इसका खमियाजा सरकार नूं भुगतना। कल क्या प्रोग्राम है धरने प्रदर्शन का है? कल 10 तो 12 बजे तक पंजाब के SSP के दफ्तर अगे असी उत्थे इकट्ठ करके जूस का सोई का अकाली दल का और उन्होंने पुतले साड़ा चारा ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ FIR ਲੌਸ ਕੀਤੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਟੋਟਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੈਟਾ और उस करके जो साढ़े सुखबीर सिंह बादल प्रधान साहब का हुक्म है क्योंकि जदों उन्होंने उल्ट मुकदमा दर्ज आया है और उस वेले सारे पंजाब दे विच खलबली जिहड़ी आम जिहड़ा पीसफुल नागरिक उहदे वास्ते जिहड़ा बड़ा वड्डा उस वेले शौक होया और इस करके सारा पंजाब सरदार सुखबीर सिंह बादल दे नाल खड़ा है। कल जो साढ़े प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह बादल का आदेश आया तो जो साढ़े दोनों प्रधान साहब बैठे ने जो बादल साहब के OSD मंटा जी बैठे ने जो आदेश आया उसकी पालन होएगी और जो हुक्म होएगा क्योंकि जे असी अपने जो लीडर नहीं बचा सकते तो इन्हों वर्करा का कल की बनेगा। असी नहीं चाहते पोलीटिकल वंडेटा तो जे योजना गल्ला होंदिया रहनगियां तो आने वाले समय जिहड़ा समा होर माड़ा आ जाएगा। सरकार जिहड़ियां आनियां ते जानियां ने यह समय के नाल बदलदे रहिंदियां ने। जो सर साहब पंजाब में परचों की राजनीति क्यों होती है, इसमें डेंजर लेवल क्यों है इसका, जब अकाली दल भी साथ तब भी आरोप लगते रहे अकाली दल पर। बदकिस्मत की गल है, मैं अभी तक सुखबीर सिंह बादल के उल्टा इलेक्शन लड़ता रहा हूं और मैं जलालाबाद बारे के बोल सकता हूं। जलालाबाद सुखबीर सिंह बादल 10 साल MLA रहा, मैं 10 साल MLA रहा वहां का और मैं जब नहीं MLA था जलालाबाद के बारे में कभी भी उन्होंने एक भी मुकदमा नहीं दर्ज कराया। हर आदमी कोई भी किसी भी पार्टी का है किसी अफसर के पास गया, ये मंटा जी देखते थे इसके दिन के पहले एक और उस दिया देखता था यहाँ इस इलाके को और किसी को कोई शिकायत नहीं था क्योंकि हेड तो मैं करता था ना कांग्रेस को और कभी भी मुझे कभी मुश्किल नहीं आई। ये करते हैं, ये तो अकालिया का नाम लेते हैं, ये कांग्रेस वाले करते हैं हमेशा जब इनका राज आता है और वो पोलिटिकल वंडेटा चल रहा है। जितने माड़े अंसर है वो सारे कांग्रेस में इस टाइम मौजूद है और बदकिस्मत की बात है कि जब पॉलिटिकल पार्टियों में जब माड़े अंसर आ जाए तो जैसी घटना पंजाब में वापर रही है ऐसी स्वाभाविक तौर पर वापर रही है। डॉक्टर साहब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि फ्रेंडली मैच चल रहा है कांग्रेस और अकाली दल में, इसमें क्या कहेंगे? अब उनके पास कहने को और कुछ नहीं है, अब द कैट इज आउट ऑफ बैग। आप सबको पता है पिछली बार 90 और 100 सीटों की सर्वे कर रहे थे तब इनके 20 जीते, 20 में से 11 छोड़ गए हैं और अब 3-4 को कोई संभाल नहीं रहा है, वो भी छोड़ने को तैयार है। और मैं कहता हूँ फाजिलका जिले के लोग बड़े समझदार हैं और उन्होंने पिछली बार भी किसी उम्मीदवार को 15,000 से ज्यादा वोटें नहीं लेने दी, इसलिए जो व्यक्ति दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ नहीं कर सका और अब बाहर से आगे झूठी घोषणाएं कर रही है उसका कोई मंतव नहीं निकलता, इसलिए
उसको शायद अभी तक ये नहीं पता लगा ये पंजाब की जो लोगों की है, सोच है, पंजाब के लोगों का जो अपना दायरा है उसके अंदर बाहरी व्यक्ति को कहां से हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो दे आर गोइंग टू बी राउटेड इन द इलेक्शन। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था भी जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मंतव्य कोई हैगा भी ये जरा झूठा पर्चा दर्ज किया जिम्मे प्रधान जी ने कहा भी उस मसले च ऑलरेडी जी अदालत क्लीन चिट दे चुकी ने और एक केवल और केवल कांग्रेस की बुखलाहट है। दो जगह बेअदबी हुई इन्होंने बेअदबी के नाते कांग्रेस का राज बनाया और साढ़े चार साल तो वध मुख्यमंत्री कांग्रेस का रहा हूँ फिर बन गया इस तो कुछ नहीं हुई तीन DGP बदलते केवल और केवल इस वास्ते भी किसी ना किसी तरीके बादल परिवार को या बजीठिया एच किमें इनवॉल्व किया जाए। दो बेअदबियां हुई की निकलिया अच पांच दिन हो गए दरबार साहब च हुई है जी सब तो सेक्रेट थां है सेंक्टम सेंक्टोरम कहते हैं जिन्होंने सारी दुनिया शीश नवादी है कपूरथला च हुई है ठीक है कि नहीं बंदे नूं मार के ते कोई आइडेंटिफाई नहीं किया उन्होंने फड़ के उन्होंने इंटरोगेट करना चाहिए जी सरकार नूं उस गल नूं छुपाउण वास्ते ये परचा दर्ज होया लेकिन अजे तक उन्होंने शायद इस गलतफहमी च हैगी। अकाली दल का बड़ा गौरवमय इतिहास है और जो 19 महीने तक हर रोज अकाली दल गिरफ्तारियां देता रहा ड्यूरिंग एमरजेंसी जिते इंदिरा गांधी वर्गी डिक्टेटर सी ते हुण तो बहुत मामूली गल्लां ने और कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होगा। जो पार्टी का आदेश है असी उस नूं मन्नांगे जे सानूं जेलां भरनियां पईआं चाहे धरने देने पए जिवें जिवें पार्टी दी हैडक्वार्टर तो आदेश आउणगे अकाली दल का वर्कर बहुत मजबूत है और इस लड़ाई नूं आखिरी अंजाम तक पहुंचावांगे। मैं पहला तो थोड़े सारे तो माफी चाहना कि लेट हो गया थोड़ा डिगना पे सारे नूं अज दा जिहड़ा पेन अपना मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस दा ये जिहड़ा है कांग्रेस का आपदा पिछले पौने पांच साल का फेलियर उन्हूं अगे फेस करन दे जाना इन्होंने आने वाले 2022 उस तो घबरा के असी हुण किस मकसद नाल फेस करांगे ते झूठे परचा दी इन्हां दी राजनीति शुरू करती जिहड़ा कि कर्नल बिक्रमजीत मजीठिया जी ते परचा दिता जिहड़ा इन्हां ने बिल्कुल ही यह पोलिटिकली वंडेटा है। जिहड़ा तुसीं झूठे परचा की गल करदे हो जां बेअदबी जिहड़ी है यार देखो हुण इन्नी वड्डा अपना पवित्र स्थान है रामदास जी अमृतसर साहिब विखे जे इत्थों तक ही हत्थ पा लिया किसी ने ये उत्ते तो फिर हुण कोई सिखां वास्ते सारे धर्मां वास्ते सारे जिहड़े सत्कारयोग उत्थे सिर झुकाउंदे सारे जाके बहुत बड़ी सोचण वाली गल है भी ये जिहड़ा अपने पंजाब दे विच दौर है बहुत माड़ी गल। सरकार बेनकाब कर सकेगी इस देखो कह दिता सी 24 घंटिया दे विच असीं कर देंगे अज मेरे ख्याल 72 घंटे का हो गए है अज तक कोई थोड़े सामने रिजल्ट आया तो है नहीं हिंदू मंदिर होवे जां कोई अपना मस्जिद होवे सारे दी जुड़िया हुंदा लेकिन जद इत्थों तक जाना इस ना सहन जोग है यार सिर्फ 2 घंटे 10 to 12 जी ने पूछो लालाबाद फाजिलका बोहर और बल्लू में चारों सीटों में श्रोमणी अकाली दल BSP की जो पोजीशन है बहुत अच्छी है और चारों सीटें हम जीतेंगे। और वही बात ये कल वाले पर्चे की मजीठिया जी पर जो FIR लॉन्च की है जो कांग्रेस के CM प्रेसिडेंट हैं और होम मिनिस्टर हैं ये जो गांठें बांध रहे हैं इनको अपने मुंह से ये गांठें खोलनी पड़ेगी ठीक है। तो जो अकाली दल के वर्कर हैं पीठ का जवाब पत्थर में देंगे। कल भी हम 24 को हम SSP ऑफिस का घेराव कर रहे हैं धरना दे रहे हैं सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ये धरने दिए जाएंगे। तो अभी तो ये शुरुआत है तो
आगे इनको कांग्रेस वालों को पता चल जाएगा खाली बच्चे लिफाफे की गप्पा की और पर्चिया की सरकार बजती है और इसने पांच साल कुछ नहीं किया साड़ी भोली भाली जनता मगर ला के इन्होंने सरकार बनाई तो पांच साल इन्होंने जो काम किया तो सिर्फ साढ़े उत्ते परचे किए हैं। देखो हूँ जोड़ा इन्होंने मजीठा साहब के उत्ते परचा दिता बिल्कुल झूठा दिता इन्होंने को अगे सरकार बनाने का कोई एजेंडा नहीं है तो सिर्फ यह परचे दे के इन्हों मतलब असं अपने आप में सारी जनता गुमराह कर रहे हैं लेकिन पंजाब दे विच साड़ी जनता विच बहुत ज़्यादा रोस है तो उस रोस के जे पार्टी प्रधान का साडा हुक्म भी है और कल नू सारे मतलब जिन्हें भी वर्कर आ वो एस एस पी साहब के दफ्तर के धरना लाएंगे 10 to 12 के 12 का टाइम है तो पर जिन्हें भी यह कांग्रेस कर रही है सारे झूठे परचे कर रही है साढ़े वर्करा भी कर रही है तो मजीठा साहब से भी जो झूठा परचा किया बिल्कुल इन बेनकाब होगा तो यह बहुत असी सारे इसकी निंदा करते हैं। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी ही लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।